गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस बेटा, इंग्लिश की बुक में आज हमारा लास्ट चैप्टर है, लास्ट पोएम है हमारी कैट्स। तो आज हमारा फर्स्ट सेम फिनिश हो जाएगा बेटा। ये एक छोटी सी पोएम है, इसके ओनली वर्ड मीनिंग और डिक्टेशन है जो मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूँगी और आपने फिर नोटबुक में राइट करने हैं। कैट्स स्लिप एनी वेयर एनी टेबल एनी चेयर। बिल्ली कहीं भी सो जाती है, कोई टेबल हो, मेज हो या कोई कुर्सी हो। टॉप ऑफ पियानो, पियानो की वाद्य यंत्र के टॉप पर, ऊपर विंडो लेज, ये देखो विंडो के ऊपर, विंडो है ना ये खिड़की के ऊपर। इन द मिडल ऑन द एज, किसी भी चीज़ के किनारे पर, उसके बीच में और उसके ऊपर, कहीं भी सो सकती है। ओपन ड्रॉर, ड्रॉर होती है ना दराज, जो आपके बेड पे बॉक्सेज बने होते हैं या ड्रेसिंग पे बने होते हैं, उसको दराज बोलते हैं। एम्प्टी शू, ये देखो कोई भी जूता है, खाली जूते के अंदर सो जाती है। एनी बॉडीज लैप विल डू, लैप मीन होता है लप लपाना, बिल्ली लप लपाती है ना, वो कहीं भी जब जहाँ उसका दिल करता है उसी चीज़ पर लप लपाती है। फिटेड इन ए कबर्ड बॉक्स, अलमारी के बॉक्स में भी ये फिट आ जाती है। इन द फिटेड इन ए कार्डबोर्ड बॉक्स, ये गत्ते के बॉक्स में भी, मीन्स जो अलमारी सी बनी होती है गत्ते की, उसमें फिट आ जाती है। इन द कबर्ड विद योर फ्रॉक, जो आपकी कबर्ड होती है, छोटी अलमारी होती है जिसमें आप अपने फ्रॉक टांगते हो, वहाँ पर भी फिट आ जाती है। एनी वेयर देन डोंट केयर कैट स्लीप एनी वेयर, वो कहीं भी जहाँ पर भी आपका ध्यान नहीं जाता वहाँ सो सकती है, बिल्ली कहीं भी सो जाती है। तो ये बिल्ली के बारे में बताया गया कि बिल्ली कहीं भी सो जाती है, कुछ भी कर सकती है, ठीक है। तो ये इसका छोटा सा थोड़ा सा बुक वर्क है। रीड द पोएम वंस अगेन, अंडरलाइन द लाइन्स दैट रिम विद ईच अदर एज, जैसे एनी वेयर एनी चेयर एज दैट राइम विद ईच अदर एज, कैट्स स्लीप एनी वेयर एनी टेबल एनी चेयर, चेक विद योर पार्टनर इफ यू हैव डन इट राइट। एनी बॉडी को एनी बॉडी राइट करना है, ए एन वाई बी ओ डी वाई, ठीक है, प्लस हटा देना है। एनी वेयर को भी ऐसे साथ में करना है, ठीक है। थैंक यू।